मथुरा के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने नगर निगम के वार्ड नंबर 57 में 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समग्र विकास की बात कही। मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में अब निगम द्वारा विकास संबंधी कार्यों को कुछ ज्यादा ही गति दी जा रही है। महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु आए दिन नारियल फोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने निगम के वार्ड नंबर 57 के अंतर्गत कोयला वाली गली में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का नारियल फोड़ कर शिलान्यास किया। इस मौके पर भाजपा के तमाम पार्षद और नेता उपस्थित रहे। महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने बताया कि उनके द्वारा बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की नीति के अनुसार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। देखिए, आज वार्ड नंबर 57 में ये कोयला गली है। हमारी योगी जी के अनुरूप सबका साथ और सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की भावना है। इसी के अनुरूप हम हर गली में हर वार्ड में विकास कार्य करा रहे हैं। आज 12 लाख रुपए की लागत से इस गली का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। हमारे रामदास जी यहाँ पार्षद हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये 2400 घंटे बाढ़ की किसी न किसी समस्या को उठाते रहते हैं, लगे रहते हैं और बाढ़ का पूर्ण रूप से विकास कराते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी दोनों सरकारों को, जो इस पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में जितने विकास कार्य करा रहे हैं। हमारी जनता किसी भी तरीके से त्रस्त ना रहे, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो या गरीब के लिए भोजन की समस्या हो। हम हर क्षेत्र में हर तरीके का काम अपनी सरकारों के माध्यम से करा रहे हैं। हर घर जल योजना के अंतर्गत यह हमारा पंप यहाँ पे पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये जो पंप है, इसकी विशेषता ये है कि इसकी जितनी भी सप्लाई है वो टीले वाले क्षेत्रों में है। तो ये हमारे जो माननीय हरियाणा जी ने ये वृक्ष लगाया था 1990 में, उसके बाद से ये दूसरा पंप यहाँ पे हम पुनः स्थापित करवा रहे हैं। लगभग 30 वर्ष से ये पंप यहाँ पे लगा हुआ था, 30 वर्ष सेवा देते हुए अब पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और ये बहुत बड़े मतलब क्षेत्र को जलापूर्ति करेगा। इसकी सप्लाई कंसकार से लेकर शेडवाड़ी तक चलती है और विभिन्न छोटी छोटी गलियाँ, उसमें बहुत बड़ा जलापूर्ति का ही साधन है। और जो हमारे नगर निगम की तरफ से इसका बहुत अच्छी तरह से मतलब जो है निर्माण की प्रक्रिया में लिया जा रहा है।